आरपीएफ फिजिकल बहुत कठिन है। फॉर्म भरने से पहले जान लो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, गलत फहमी निकाल दो मन से। देखिए, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ये शब्द मैंने इसलिए लिखा है ना ताकि आपकी थिंकिंग, आप जो आपकी सोच है ना वो इस वीडियो में मैं दिखा सकूं। क्योंकि जो आपकी सोच है ना आपको कहीं ना कहीं इस आरपीएफ की भर्ती को लेकर डूबेगी और आपको वर्दी से दूर करेगी। और इसके बाद जो आरपीएफ की आप तैयारी कर रहे हैं ना, इसके बाद आप डिफेंस लाइन की तैयारी करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप इतना डिमोटिवेट ना हो जाओगे ना, क्योंकि आपको आरपीएफ की दोबारा कोई भी डिफेंस लाइन की जो भी भर्ती है ना उसकी तैयारी आप करना छोड़ दोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे लिए वर्दी बना ही नहीं है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको डिफरेंस लाइन से प्यार है, आपको वर्दी से प्यार है, तो ही आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करें, छोड़े और जाके आप रील देखें, वही आपकी असली दुनिया। अगर आपने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया है ना, तो अब जान लो आपको करना क्या है। देखिए, मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला इस वीडियो में, ना ही कोई मैं मंत्र बताऊंगा कि एक बार मैंने फूका और कमाल हो गया, जादू हो गया। इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ में जो चल रहा है ना वो बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आपको आरपीएफ की वर्दी चाहिए ना, तो आरपीएफ का जो फिजिकल है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो अपने दिमाग से काम लेता है ना कहीं वो इस भर्ती में बाजी मार लेगा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत तो करिएगा ठीक ढंग से, पूरे लगन से, और आप रिटर्न क्वालिफाई कर लीजिएगा, फिजिकल तक भी पहुँच जाइएगा। लेकिन फिजिकल के टाइम आपको वहाँ निराशा हाथ लगेगी और वहाँ से आप बैक हो जाइएगा। तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम बहुत समस्या होगी जब आप फिजिकल आपसे नहीं हो पाइएगा ना, आपको लगेगा कि आरपीएफ की वर्दी मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं आरपीएफ के लाइक हुई नहीं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आपका जुनून है आरपीएफ की वर्दी को हासिल करना, तो इस वीडियो को देखें और वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। तो ये है भाइयों आपके स्क्रीन पे आरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आरपीएफ के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया गया है। देखिए, जो आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है, और आपका जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें आसमान और ज़मीन का डिस्टेंस है, इतनी दूरी है ना। बस आप वीडियो के साथ बने रहें, सारा कुछ ऑफिशियल बताएंगे, कुछ भी अपने मन से नहीं बताएंगे, हवा में बातें नहीं करते हम, जो ऑफिशियल नोटिस है ना उसी के थ्रू बताएंगे। और आपको देखिए, बिना वीडियो देखे किसी को आप जज नहीं कर सकते, पहले आप वीडियो देखें, फिर आपको खुद ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, कैटेगरी है ना, मेल कैंडिडेट कितना करना है रनिंग, 1600 मीटर यानी 5 मिनट 45 सेकंड, कहीं ना कहीं ये आर्मी का दौड़ है। अगर अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा, तो आपके अगल बगल जरूर कोई कैंडिडेट आर्मी का जरूर तैयारी किया होगा, है ना, या कर रहा होगा, उनसे आप एक बार मिलिए और उसे टाइमिंग बताइए 5:45 क्या है, वो आपको खुद ही बताने लगेगा कि क्या चीज़ है ये रनिंग। अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग क्वालिफाई करना, और ये 1600 मीटर रनिंग करना है, क्वालिफाई आपको 5 मिनट 45 सेकंड। कहीं ना कहीं आपकी रनिंग भी काफ़ी ज़्यादा कठिन है, ठीक ना। 5 मिनट 45 सेकंड, इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा, बराबर प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप 5 मिनट 45 सेकंड में क्वालिफाई करेंगे, ठीक ना। कहीं ना कहीं ये आर्मी वाला दौड़ है, इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग जंप 14 फिट है ना, मेल कैंडिडेट की अभी हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग जंप 14 फिट। और लॉन्ग जंप जो 14 फीट है ना, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है ना, उन्हें भी इतना लॉन्ग जंप नहीं कराया जाता है, ठीक ना। जब उनका आर्मी का फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट, उस टाइम भी उन्हें 14 फीट नहीं कराया जाता है, लगभग 9 फीट यानी 10 फीट मान के चलिए उन्हें लॉन्ग जंप फिजिकल के टाइम कराया जाता है, जब उनका टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट है ना, उस टाइम 10 फीट कराया जाता है। और यहाँ पे आपको कितना बताया जा रहा है, 14 फीट, आरपीएफ की भर्ती की बात कर रहे हैं, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। और 14 फीट लॉन्ग जंप ना आरपीएफ के जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं ना, इस टाइम कोई नहीं कर सकता, वही करेगा जो पहले से फिजिकल की तैयारी कर रहा है, यानी वो आर्मी का कहीं ना कहीं कैंडिडेट होगा, तभी वो 14 फीट लॉन्ग जंप कर पाएगा, नॉर्मल कैंडिडेट नहीं कर सकता। और जो कभी ग्राउंड गया ही नहीं है ना, वो तो आप मन से निकाल दीजिए कि आपसे लॉन्ग जंप होगा 14 फीट, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी रोज़ाना, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे आरपीएफ का फिजिकल, ठीक ना। और हाई जंप की बात करें तो ये भी आपका 4 फिट, 4 फिट देखिए नॉर्मल है, फिर भी आप कर लीजिएगा। और जो कभी नहीं किया है ना हाई जंप 4 फिट, उनके लिए बहुत बड़ा बात है, ठीक ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपकी जो सोच और आपका ये आरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आसमान और ज़मीन का डिस्टेंस है, आसमान और ज़मीन की दूरी है। अगर आपका सपना है आरपीएफ में जॉब करने का, आरपीएफ की वर्दी को हासिल करने का जुनून है, तो आपको
फिजिकल पे भी फोकस करना पड़ेगा और मेन आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो आरपीएफ की फिजिकल पे होना चाहिए। देखिए जो भी मैंने आपको बताया ना ये सभी ऑफिशियल बताया, और इससे भी जो आपकी ख़राब किस्मत है ना वो अब मैं बताने वाला हूँ। देखिए कहीं ना कहीं आपके साथ ना इतना बड़ा मजाक हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। स्टेट पुलिस की मैं बात करूँगा तो उसमें भी तीन चांस मिलता है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो चांस मिलेगा। अगर दो चांस में आप कर दिए क्वालिफाई तो ठीक है, अदरवाइज बैक हो जाओ, घर चले जाओ, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। क्योंकि देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ लिखा है लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। फर्स्ट देखेंगे यहाँ से लॉन्ग जंप एंड हाई जंप है ना, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप द कैंडिडेट्स विल बी गिवन अप टू टू चांस ईच, यानी आपको सिर्फ दो चांस मिलने वाले हैं दोस्तों। अदरवाइज नहीं हुआ तो आपका वो जो दो चांस पूरा किए ना उसके बाद आपको घर जाना होगा। अगर आप रिटर्न के साथ फिजिकल की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो ही आप इसका फॉर्म फिल करेंगे 15 तारीख को, अदरवाइज ना करें, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है आपको। अगर एक में कम किए ना तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना आउट होना पड़ेगा। अभी भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आपके नज़दीक जो भी फील्ड है, जो भी आपका स्टेडियम है, वहाँ आप जरूर एक बार जाएं, जो वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ देखे जाके कितने लोग 14 फीट हाई जंप कर पा रहे हैं। जो एथलेटिक्स है ना वही 14 फीट लॉन्ग जंप कर सकता है ना। जो नॉर्मल कैंडिडेट तैयारी कर रहा है स्टेट पुलिस की, एसएसजीडी की या आर्मी की, वो भी नहीं कर पाएगा लॉन्ग जंप 14। अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर में 100 लड़के हैं ना तो कहीं ना कहीं उसमें से 30-40 ही कर पाएंगे, हाफ भी नहीं करेंगे। मैं 30 और 40 की बात कर रहा हूँ, हाफ से भी कम है ना। तो इतने कैंडिडेट ही लॉन्ग जंप कर पाएंगे और आपने तो कभी फिजिकल की तैयारी किया ही नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 14 फीट लॉन्ग जंप कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रनिंग करना है 3 मिनट 40 सेकंड, तो ये भी कहीं ना कहीं कठिन है, ठीक ना। जो फीमेल कभी रनिंग नहीं की है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखें फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, और जो नहीं कभी तैयारी की है तो उनके लिए तो भाई कुछ नहीं हो सकता, ठीक ना। आप अभी से लग जाइए, जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे ना, यानी 15 तारीख से फॉर्म फिल हो रहा है, 15 तारीख को फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी दिन से तैयारी में लग जाइए, तभी आपकी दाल गलने वाली है आरपीएफ की भर्ती में, ठीक ना। और फिर लॉन्ग जंप आपका 9 फीट है, कहीं ना कहीं ये लड़कों को कराया जाता है आर्मी जीडी में, ठीक ना। उतना लॉन्ग जंप जो है लड़कियों को करना है, अब जान लीजिए क्या है हकीकत, ठीक ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपका जो सोच और ऑफिशियल नोटिस, आसमान जमीन का डिस्टेंस है। हाई जंप 3 फीट, चलो फिर भी हाई जंप 3 फीट ठीक है, मेहनत करेंगे लगन से तो हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो यहाँ पे है, दो चांस आपको मिलेगा दोनों के लिए, और एक चांस मिलेगा रनिंग के लिए, दो चांस हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। तो ये है हकीकत। अब ये भी जान लीजिए हाइट कितनी मांगी जाती है कैटेगरी वाइज, क्योंकि सभी का हाइट यहाँ अलग अलग दिया है, और मात्र एक आरपीएफ की भर्ती है जिसमें आपको सबसे कम हाइट मांगी जाती है केंद्र सरकार की भर्ती में। तो देखिए कैटेगरी में जनरल और ओबीसी की बात करें, मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर, वहीं एससी और एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर, और जिन्हें हाइट में छूट मिलती है वो अपना कैटेगरी देख लेंगे अपना किस से आते हैं, उन्हें 163 और 155। और ओबीसी जनरल और ओबीसी जो चेस्ट मेजरमेंट होगा वो आपका 80 बिना फुलाए फुला के 86.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। एससी और एसटी की बात करें तो 76.2 फुलाकर 81.2। तो ये सब आपका फिजिकल से पहले होगा यानी आ जाएगा। अगर इसमें आप एलिजिबल है तो ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस यानी रनिंग कराया जाएगा, फिर आपका लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा, क्योंकि जो भी होगा इसके बाद ही आपका होगा। और ये है नंबर ऑफ वैकेंसी, और ये ग्रुप बाय है ए बी सी डी ई एफ, किसमें कितनी भर्ती है ये आपको इसमें दिखाया गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं कि किस ग्रुप में कितनी भर्ती है, क्योंकि इसमें ग्रुप बाय आपका जो है डिवाइड किया गया है वैकेंसी को। थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये पिछली भर्ती का कट ऑफ है यानी पुरानी वाली भर्ती का, यानी जो 2018 में भर्ती आई थी और 2019 में वो क्लियर हुआ था उसका कट ऑफ है, और ये ऑफिशियल कट ऑफ है। मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ इसमें दिया गया है, और किस ग्रुप में कितना कट ऑफ गया है ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। इसका भी स्क्रीन शॉट लेकर आराम से देख लीजिएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ गया है 42, यानी ई ग्रुप में 42 देखेंगे सबसे कम कट ऑफ गया है फीमेल कैटेगरी में। अगर आप जानना
चाहते हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं कि किस जोन में किस ग्रुप में आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस वीडियो को आपको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको किस ग्रुप में फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। देखिए यूट्यूब पर महिलाओं के लिए बहुत कम वीडियो बनती है फिजिकल के रिगार्डिंग, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है कि आपको किस ग्रुप से फॉर्म फिल करना चाहिए। हाँ एक बात और, अगर आप सच में RPF की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले आप ये जान लीजिए आपको मेडिकल फिट भी रहना जरूरी है। अगर आप मेडिकल फिट हैं तो ही आप इसका आवेदन करिएगा। इस पर मैंने बारीकी से वीडियो बना रखा है कि RPF की भर्ती में जो मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चेक होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें बारीकी से मैंने सभी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताया है। अगर आप मेडिकल फिट हैं तो ही आप इसका फॉर्म फिल कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेम थंबनेल लगा हुआ है वीडियो में, तो वीडियो पर क्लिक करने में आसानी होगा, यही थंबनेल लगा है, देख लो ध्यान से और जाके उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप 15 तारीख को इसका फॉर्म फिल करें देंगे। 15 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप शुरू में ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। और तैयारी के लिए आपको स्टडी कराया जाएगा इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और मात्र पहला और लास्ट ये कोर्स रहने वाला है जो कि आपको फ्री मिलेगा, और ये ऐप पे भी फ्री होगा और यूट्यूब पे भी फ्री होगा, जहां चाहे आप देख सकते हो। और इसके बाद जितने भी कोर्स आएंगे वो आपको बाय करने होंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्नों को हल कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न होंगे, फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे और फ्री PDF रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव वीडियो भी मिलेगा, डिस्कशन भी करने का मौका मिलेगा, और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के सेट प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे, जिसमें सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे। तो सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद जितने भी कोर्स आएंगे वो आपको बाय करने होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर फिट है तो जाके 15 तारीख को आप आवेदन शुरू में ही कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।